तो गाइस अगर आप लोग भी एक छोटी सी गलती करेंगे तो दोस्तों आप लोग एक छोटी सी गलती आपके YouTube चैनल को बर्बाद कर सकती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो आपके YouTube चैनल को बर्बाद कर देगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पर अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के YouTube चैनल पर आपके जो वीडियोज है उनका इम्प्रेशन काफी अच्छा जा रहा था, आप लोगों के जो नॉर्मल व्यूज थे वो भी काफी अच्छे आ रहे थे, उनका सारा जो एरो होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को ग्रीन नजर आते होंगे। पर दोस्तों अभी कुछ दिन से क्या हुआ है, सभी लोगों का व्यूज है वो दोस्तों एकदम से अचानक से डाउन हो गया है और किसी को इसका रीजन नहीं पता कि आखिर सभी लोगों के इतने व्यूज डाउन क्यों हुए। अब मैं आपको बता दूं, जहां दोस्तों एक इंसान ने किसी के प्रत्येक वीडियो पे 5000 व्यूज आ रहे थे, तो दोस्तों वहां पर उन लोगों के सिर्फ 1000 से 2000 व्यूज ही आ रहे हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतना गैप आखिर क्यों हो गया है व्यूज के अंदर। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि आप लोगों की एक छोटी सी गलती आप लोगों के चैनल को क्यों बर्बाद कर देगी, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी टेक कैटेगरी है, आप लोग कोई अदर कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जब व्यूज आपका डाउन हो जाता है तो आप लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन नहीं करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी उसमें क्या करते हैं, गैप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम वीडियोस बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो का इतनी मेहनत से टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसके बाद हम वीडियो को एडिट करते हैं, उसका थंबनेल बनाते हैं, तो हमें मेहनत पूरी करनी पड़ रही है, पर दोस्तों आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधे अपनी वीडियोस के अंदर गैप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब से आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर गैप करना स्टार्ट करते हैं, तब दोस्तों कहीं ना कहीं आपके चैनल पे इस चीज का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका चैनल एकदम से डाउन होने लगता है। अभी आप लोग सोचते होंगे कि हमारे व्यूज डाउन हो गए, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक यूट्यूब की प्रॉब्लम चल रही है। और अगर आपने भी अगर गैप करना स्टार्ट किया अपनी वीडियोस के अंदर, तो आपका चैनल भाई बिल्कुल जड़ से खत्म भी हो सकता है। और आप इसके बाद चाहे इससे दुगनी मेहनत कर लेना, फिर भी आपके चैनल के जो व्यूज है वो दोस्तों बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि YouTube पे अगर आप रेगुलर वीडियोस डालते हैं तो YouTube क्या करता है, आपकी वीडियोस की जो रीच होती है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और वहीं पर अगर आप लोग अपने चैनल पे अपनी वीडियोस में गैप करना स्टार्ट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपका YouTube चैनल धीरे धीरे डेड होने लगता है, आपके YouTube चैनल का इंप्रेशन है वो ज्यादा लोगों तक नहीं जाता है। तो आप लोगों का इसी तरीके से यूट्यूब करियर भी खत्म हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर थे जिनके करोड़ों में अभी सब्सक्राइबर्स हैं और दोस्तों एक टाइम पे वो बहुत ही अच्छा खासा व्यूज छाप रहे थे यूट्यूब पे, काफी अच्छा पैसा भी कमाया था। और दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों ने अपनी वीडियोस के अंदर गैप करना स्टार्ट कर दिया और आज उनके चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो बहुत सारे हैं, पर दोस्तों उनके वीडियोस पे व्यूज आते ही नहीं है। जहां उनका चैनल एक व्यूज के नाम पे ब्रांड था, पर दोस्तों आज उनके चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइबर बेस रह गया, पर दोस्तों उनके चैनल पे व्यूज का कोई नामो निशान है ही नहीं। तो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप लोग अपनी वीडियोस में गैप करोगे, अगर आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका चैनल भी बिल्कुल डेड हो जाएगा, आप लोगों की वीडियोस पे व्यूज नहीं आएंगे। अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हैं और आप लोगों की वीडियोस पे 50, 100, 200 इतने व्यूज आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस पे अभी बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को अभी और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा अच्छे से कंटेंट को क्रिएट करना है। वो कंटेंट बनाओ कि जो ऑडियंस आपको कंटेंट नहीं भी देखना चाह रही है, तो वो ऑडियंस भी आपको कंटेंट देखने पे भाई बिल्कुल ही व्याकुल हो जाए। तो आप लोगों को इसी तरीके से YouTube पे काम करना है और ये नहीं कि अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं या व्यूज डाउन हो गए तो हमें अपने चैनल पे वीडियोस को नहीं डालना है। आप लोग वीडियो रेगुलर डालो, जितनी मेहनत आप लोग पहले कर रहे थे व्यूज डाउन होने से पहले, उससे दोगुनी मेहनत आपको अभी करनी है, ताकि जो आपके ऑडियंस आपके चैनल से टिकी हुई है वो आपके चैनल को छोड़कर ना जाए। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको ये एक छोटी सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका चैनल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं आएगा आपके व्यूज को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।